तो चलिए आज हम जानेंगे VLC मीडिया प्लेयर में किस तरह से इजविच के वाईफाई कैमरे को आप देख सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, और इससे आपको कई फायदे होने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यह इजविच का C6C वाला कैमरा है और इस कैमरे को मैंने ऑन कर दिया है, पावर आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए कि इसके पीछे जो भी वेरिफिकेशन कोड वगैरह है, इसे आप नोट करके रख लीजिए। ये वेरिफिकेशन कोड आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन कोड के द्वारा ही हम आगे काम करेंगे और इसे लाइव करेंगे विंडोज़ VLC मीडिया प्लेयर में, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लिया। आपको याद रखना है कि लैंड वायर से आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये वाईफाई का यहाँ पर आया हुआ है कनेक्शन। और इसका जो पासवर्ड होता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पासवर्ड इजविज कैपिटल में EZVIZ _ और आपका जो वेरिफिकेशन कोड होता है वही होता है, तो वो डालना है। मैं यहाँ पर वही डाल रहा हूँ और इसे डालने के बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमें यह चेक करना होगा कि क्या यह जो है कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे आपको इससे IP कैमरे को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, NVR को भी कनेक्ट कर सकते हैं, DVR को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सभी चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए SATP टूल्स है, इस SATP टूल्स को यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर आ रहा है, और रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद एक बार यहाँ पर फिर से डिसकनेक्ट हो गया और मैं फिर से इसे ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसे जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर यहाँ आ रहा है द डिवाइस इज़ इन एक्टिव। इसे एक्टिव करना होगा, यानी कि जो पासवर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर आया हुआ था EZVIZ_ जो वेरिफिकेशन कोड मैंने डाला था, यहाँ पर एक नया पासवर्ड देखे इसे एक्टिव करना होगा। तो एक अल्फ़ा न्यूमरिक जो पासवर्ड होता है जो आप DVR में डालते हैं, NVR में डालते हैं, वही आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डालता हूँ और डालकर इस डिवाइस को फटाफट एक्टिव करता हूँ। तो डिवाइस एक्टिव हो गया है और जैसा कि आपको पता है कि वाईफाई का आपने पासवर्ड बदल दिया, तो निश्चित तौर पर EZVIZ के कैमरे का जो वाईफाई का जो पासवर्ड था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर फिर से आपको जो पासवर्ड आपने अभी डाला वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। एक्टिव जैसे आपने किया तो वो पासवर्ड डालना है, वो पासवर्ड मैंने डाला और डालने के बाद इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद जो है आप देख लीजिए एक बार फिर से कि SATP टूल्स में आपको दिख रहा है कि नहीं। अब ये जो IP दिख रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर जो IP दिख रहा है इसी IP से सारा काम हमें करना है। और यहाँ पर सिंपल है, ये देख लीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप इसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से RTSP, इसके बाद एडमिन आपको देना है और उसका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना है जो कि कैमरे का था, EZVIZ का था, ठीक है। और इसके बाद आपको 554 और बाकी चीज़ें जो है वो आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सेम चीज़ें जो है मैंने वहाँ से कॉपी कर ली और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड मंगा जा रहा है, वही पासवर्ड जो एक्टिव करते समय जो मैंने डाला था, जो वाईफाई का जो पासवर्ड था वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो वही पासवर्ड मैं यहाँ पर फिर से डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद देखते हैं कि यह लाइव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये देखिए EZVIZ का कैमरा लाइव हो चुका है। और आपको यहाँ पर इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप हमेशा देखते होंगे कि आपका NVR में आप देख रहे हैं कि कैमरा सही से नहीं चल रहा है, और आपके DVR में जो है कैमरा सही से नहीं चल रहा है, या IP कैमरे में कोई प्रॉब्लम है, या POI स्विच में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे पता करेंगे? आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोडेक में जाना है और यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें दी हुई है कैमरे की डिटेल, यानी कि कैमरा को बिना किसी बीच के जो मीडिएटर के बिना जो है हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इससे आपको चेक करने में आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से आपका कैमरा कितना FPS पे जो है ट्रांसफ़र कर रहा है, कितना फ्रेम रेट जो है ये दे रहा है, बिट रेट वगैरह कैसे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कैमरे की तो आप देख सकते हैं। IP कैमरे को टेस्ट करने के लिए ये बहुत ही बेहतर तरीका है, RTSP पोर्ट के द्वारा और VLC पोर्ट के द्वारा। तो VLC मीडिया प्लेयर में आप देख सकते हैं, और ख़ासकर बैंडविड्थ जो बिट रेट लॉस वाली जो समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है IP कैमरे में। तो क्या
आईपी कैमरे में जो बिटरेट लॉस हो रहा है, सॉरी जो बैंडविड्थ वगैरह जो लॉस हो रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जीरो यहाँ पर दिया हुआ साथ ही कि जीरो, कहीं पर भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर लॉस नहीं हो रहा है तो एक अच्छा एक हेल्दी स्टेटस है, क्योंकि कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जर्क का कोई इशू आ रहा है या किसी और भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हमारे NVR में प्रॉब्लम हो सकती है, POE स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वायर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर हमें चेक करना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, इसका मतलब है कि इजविच के कैमरे को यहाँ पर मैंने चेक किया, आप आसानी से इसे आप चेक कर सकते हैं। आप NVR DVR हर चीज़ को इसी फॉर्मूले से जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जो है DVR को कैसे देख सकते हैं, DVR का पहला कैमरा देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, NVR का कैसे देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं दे दूंगा। बस उसे आपको कॉपी करना है और आपके DVR और NVR के हिसाब से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, आईपी डालना है। सिर्फ बदलेगा यूज़र आईडी, पासवर्ड और आईपी डालना है। H.265 होगा तो H.265 आ जाएगा H.264 की जगह में। तो उस तरीके से आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल नया है और कई लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।